दोस्तों, जब भी आपको चोट लगती है और जब आपको खून निकलता है, क्या आपने भी सोचा है कि हमारा खून लाल ही क्यों होता है? आज के शो में हम जानेंगे कि हमारा खून लाल ही क्यों होता है। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शरीर में खून का क्या काम है। दोस्तों, हमारा हार्ट खून को पंप करता है ताकि हमारे शरीर के हर सेल्स तक ऑक्सीजन और दूसरे मटेरियल पहुंच जाए। हमारा ब्लड हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन लेकर जाता है। एवरेज ह्यूमन बीइंग में 5 लीटर खून होता है। दोस्तों, हमारे खून में प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल बीमारी से लड़ते हैं। प्लेटलेट्स हमारे घाव को खत्म करने में मदद करते हैं और रेड ब्लड सेल हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। RBC हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन से बनता है। यह हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को बाइंड कर हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन में हीमोक्रोम पिगमेंट होता है। यह हीमोक्रोम हमारे खून को लाल बनाता है। अलग अलग जानवर में अलग अलग प्रोटीन होते हैं, मतलब कि हर जानवर का खून लाल ही हो ऐसा जरूरी नहीं। दोस्तों, ऑक्टोपस, स्नेल और ऑर्थोपोड्स का खून ब्लू कलर का होता है, क्योंकि इनके खून में हीमोसाइनाइन होता है। हीमोसाइनाइन प्रोटीन में कॉपर होता है जो खून को ब्लू बनाता है। कई जानवर का खून पिंक भी होता है और कई जानवर का खून ग्रीन भी होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।